तो कैसे मिलेगा बोनस मार्क्स? एक तो देखो 31 तारीख जो कि आज है, और आज की रात की 11:50 तक ही लाइंस ओपन है, उसके बाद लाइंस क्लोज हो जाएंगी, कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक, अब कैसे मिलेगा भाई बोनस मार्क्स नीट में? ठीक है, क्या तरीका है कि आप बोनस मार्क्स ले लो? कोई तरीका नहीं है। जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, आप एक बात याद रखो बेटा, अगर एक बोनस मार्क्स, मान लो बोनस मार्क्स मिलता कब है, कोई क्वेश्चन एनटीए ने गलत कर दिया है, या अपनी आंसर की के अंदर उन्होंने कोई ऐसा आंसर डाल दिया है जो कि एग्जैक्टली उस क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं, कुछ और है, तो अगर उसका कोई एविडेंट प्रूफ अपलोड करता है उस क्वेश्चन का और उसे चैलेंज करता है, तो उस क्वेश्चन को जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया था, चाहे उसका आंसर गलत लगाया था चाहे सही लगाया था, सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। उन बच्चों को नहीं मिलेगा जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, पर जिसने किया उन सबको बोनस प्लस फॉर नंबर मिलेंगे। तो अगर किसी, अब ये सुनो, क्या सारे इंडिविजुअल्स को बोनस मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को चैलेंज करें? भाई नहीं, ऐसा है कि अगर आप कोई भी उस आंसर शीट को अगर चैलेंज कर देता है, ठीक है, तो ओवरऑल और एविडेंस के साथ प्रूफ डाल देता है, तो ओवरऑल वो क्वेश्चन सबके लिए बोनस मार्क्स हो जाता है जिसने भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो सबको इंडिविजुअल जाके 200-200 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 200 रुपये फीस है एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े टीचर ऑलरेडी ये काम शायद कर चुके हैं कल से लेके अभी तक, या करने जा रहे होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर अगर आपको बोनस मार्क्स मिल रहा होगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी OMR को चैलेंज कर सकते हैं, वो मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है कि हाउ टू चैलेंज OMR शीट। तो OMR शीट को, अब OMR शीट में आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जो कि एक सिली मिस्टेक थी, हल्के बहुत डॉट लग गए हैं किसी पॉइंट पे और मशीन ने वो भी गिन लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, या तो नेगेटिव मार्क कर दिया। कई बार क्या होता है, आप आंसर लगाने नहीं चाहते लेकिन फ्लो में क्या होता है, कोई डॉट लग जाता है कहीं पर ऑप्शन पे, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे, लग जाता है, कई बच्चों के साथ होता है ऐसा, तो उसका मार्क्स कैलकुलेट कर लिया है, नेगेटिव दे दिया आपको। तो अगर आप बोलोगे, आप OMR को चैलेंज करके, ये पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को चैलेंज करके बोलोगे, बता दोगे कि भाई ये तो गलती हुई है मुझसे, और अगर वो दिखाई देगी गलती, अगर पॉइंट लगा होगा तो समझ में आ जाएगा भाई गलती की हुई है, तो वो आपके नंबर वहाँ से हट जाएंगे या आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, जो भी सीन है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, और भाई कोई तीसरा रास्ता है नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, रिलैक्स मारो, चिल मारो, जो भी आपके नंबर बन रहे हैं उस हिसाब से कट ऑफ देखो। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको अपनी फाइनल रिजल्ट में देखने को मिल सकता है बोनस मार्क्स के चक्कर में। फिजिक्स में कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि 3 से 4 क्वेश्चन पूरे क्लेम कर रहे हैं कि भाई यहाँ तो बोनस मार्क्स मिलने ही मिलने वाले हैं। अब अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। अब वो क्वेश्चन देखने, तो भाई किसी भी फिजिक्स पढ़ाने वाले बड़े टीचर को देख लेना, उन्होंने एक आध वीडियो बोनस मार्क्स पे डाली रखी होगी कि ये वाला क्वेश्चन तो 100% है भाई, ये तो आउट ऑफ सिलेबस, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि बोल रहे हैं कि भाई इन पे तो आपको बोनस मार्क्स मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, तो मैं आपको इस चीज़ की कोई एडवाइस, कोई बात बोलने भी नहीं वाला, लेकिन जो बात मैंने आपको बता दी है यही फुल एंड फाइनल बात है। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, नहीं तो लाइव बेटा फ्रिक्वेंटली होता रहता है, लाइव को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपके क्वेश्चन के जवाब देने के लिए मैं खुद लाइव आता हूँ सामने। तो ओके, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए किसी वीडियो की, और याद रखना एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट प्रोस्पेक्टिस से, जब तक नीट की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस नहीं चलता, तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट।